दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जमाई राजा सीजन 3 एक बार फिर से लौटकर आ रहा है। जैसे कि आप सभी को पता ही चल गया होगा, रवि दुबे और निया शर्मा एक बार फिर से जीटीवी पर वापसी कर रहे हैं, क्योंकि जीटीवी का सबसे पॉपुलर और सबसे फेवरेट शो जो कि जमाई राजा सीजन 3 में लौट रहा है। कहीं ना कहीं रवि दुबे की बात की जाए तो रवि दुबे और निया शर्मा की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी और काफ़ी फेवरेट जोड़ी में से गिनी जाती है। कहीं ना कहीं रवि दुबे को जिस तरीका का प्यार मिला है, लोगों ने उन्हें फिर से एक बार फिर से आने का निमंत्रण दिया है, क्योंकि जमाई राजा सीजन 3 में काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं दर्शक। वहीं निया शर्मा के साथ साथ में जमाई राजा में अचिती कौर, जो कि दुर्गा देवी पटेल का किरदार निभाती नजर आएंगी, क्योंकि इस टाइम की ब्रेकिंग न्यूज़ कहीं ना कहीं मेकर्स ने एक बार फिर से रवि दुबे और निया शर्मा से कॉन्टैक्ट किया है जमाई राजा सीजन 3 के लिए। और बात करें निया शर्मा की बोल्डनेस की, तो काफ़ी बोल्ड अभिनेत्री में से गिनी जाती है, जो कि लोग हमेशा से ही निया शर्मा और रवि दुबे को काफ़ी प्यार देते हैं शुरू से ही आए, क्योंकि जमाई राजा सीजन 1 जो कि जीटीवी का पॉपुलर शो था, लोगों ने इस शो को हमेशा से ही एक नई ऊंचाई और एक नई पहचान दी है, जो कि लोगों को पता ही है कि रवि दुबे और निया शर्मा काफ़ी अच्छे टैलेंटेड एक्टर हैं। एक सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, निया शर्मा कुछ हफ्ते के लिए हालांकि बिग बॉस 14 में एंट्री भी लेंगी, लेकिन जैसे ही उसके बाद घर से बाहर होने के बाद तुरंत ही जमाई राजा सीजन 3 पर अपना काम फिर से स्टार्ट कर देंगी। निया शर्मा की बात की जाए तो निया शर्मा ने रवि दुबे के साथ में सीजन 2 भी किया था, जो कि एक वेब सीरीज में दिखाया था जमाई राजा सीजन 2, जो कि कहीं ना कहीं एक बात की जाए तो उसमें काफ़ी बोल्डनेस सीन दिखाए गए थे निया शर्मा और रवि दुबे के, किसिंग सीन से भरपूर शो था जो कि वेब सीरीज थी। लेकिन एक बार फिर से पारिवारिक शो के तौर पर सीजन 3 जो कि जमाई राजा सीजन 3 में लौट रहा है, और उसकी मुख्य विशेषताएं बताई जाए तो उसमें पूरा लव दिखाया जाएगा। रवि दुबे और निया शर्मा एक दूसरे के साथ में फिर से कपल्स के रूप में दिखाई देंगे, जो कि हस्बैंड और वाइफ का किरदार निभाते नजर आएंगे। निया शर्मा की बात की जाए तो निया शर्मा हमेशा से ही टेलीविज़न की सबसे महंगी एक्ट्रेस में से गिनी जाती है। कहीं ना कहीं निया शर्मा आज के टाइम में टेलीविज़न के एक हीरो के तौर पर दिखाई जाती है, कि सबसे बड़ी हिट एक्टर्स में से भी गिनी जाती हैं। वहीं दुर्गा देवी पटेल का किरदार निभाने वाली अचिती कौर की भी फीस बढ़ा दी गई है जमाई राजा सीजन 3 के लिए, जो कि दुर्गा देवी पटेल का किरदार काफ़ी अच्छा निभाती है अचिती कौर। वहीं राज खुराना की भूमिका निभा रहे थे संजय स्वराज, राज खुराना जो कि रवि दुबे के फादर का किरदार निभा रहे थे, वो भी सीजन 3 में देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये एक फैमिली और एक पारिवारिक शो के तौर पर देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस शो से काफ़ी उम्मीदें भी लगाए बैठे हैं। रवि दुबे की बात की जाए तो रवि दुबे और निया शर्मा एक ऐसे कपल्स के तौर पर देखे जाते हैं जो कि एक दूसरे के काफ़ी करीब जा चुके थे सीजन 2 में, जमाई राजा सीजन 2 में, और जमाई राजा सीजन 1 में भी एक दूसरे के काफ़ी करीब पहुँच चुके थे। हालाँकि रवि दुबे की वाइफ को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि निया शर्मा के कितने करीब जा रहे हैं, क्योंकि रवि दुबे को तो आप पहले से ही जानते हैं कि रवि दुबे और निया शर्मा की दोस्ती आज तक किसी से छुपी नहीं है, इनकी दोस्ती खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के साथ में। तो निया शर्मा और रवि दुबे इसी बारे में एक बार फिर से मेकर्स ने रवि दुबे और निया शर्मा को फिर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, और इस पर विचार कर रहे हैं सीजन 3 के लिए, क्योंकि सीजन 3 में बात बन चुकी है। और आप लोगों के बीच में रवि दुबे और निया शर्मा का शो यानी जमाई राजा सीजन 3 एक बार फिर से प्रोमो जारी कर दिया जाएगा। प्रोमो की बात की जाए तो प्रोमो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल से भी प्रसारित होगा, कहीं ना कहीं लोग काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल से ही वो प्रसारित होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच गाइज।